जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पर्वत घातक स्कूल और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में क्या अंतर है। इंडियन आर्मी से इन दोनों ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कौन से सोल्जर्स या फिर कमांडोस को ट्रेन किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही इंडियन आर्मी का माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इंडियन आर्मी में माउंटेन वॉरफेयर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है और इस ट्रेनिंग के लिए अलग स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए माउंटेन्स पर जो लड़ाई होता है, जो वॉरफेयर होता है, वो टोटल डिफरेंट होता है। माउंटेन्स पर लड़ना तो बहुत दूर की बात है, वहां सर्वाइव करना भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। अगर आप कभी भी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर गए हैं या फिर काम किए हैं तो आपको पता चलेगा कि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि वहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होता है। हम स्ट्रेट में रहने वाले लोगों के लिए उतने कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। दूसरी चीज, माउंटेन्स पे बहुत ठंड पड़ता है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, वहां पर सर्वाइव करना और लड़ने में प्राकृतिक आपदाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी चीज है, आप तक खाना या फिर इक्विपमेंट्स जल्दी नहीं पहुंच सकता क्योंकि माउंटेन एरियाज है, रोड्स वहां पर बहुत ही क्लियर नहीं है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हाई ऑल्टीट्यूड और माउंटेन एरियाज पर। और मैं आपको बता दूं, माउंटेन्स में जब ऑक्सीजन लो चला जाता है तो वहां पर लड़ना दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, चार कदम चलने में भी सांस फूलने लगता है। और ज्यादा देर तक अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रहती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, चारों ओर व्हाइट स्नो देख करके स्नो ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी भी हो सकती है। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए लड़ाई लड़ने की जो कला है उसे माउंटेन वॉरफेयर कहा जाता है। और इन दोनों इंस्टीट्यूट में ही इन्हीं माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है। अब बात करते हैं पर्वत घातक स्कूल की। देखिए पर्वत घातक स्कूल तवांग में स्थित है, जो इंडो चाइना बॉर्डर के पास है। इसे बनाया गया था 1999 में। इस स्कूल में बेसिकली इंडियन आर्मी के घातक कमांडोज को माउंटेन वॉरफेयर और सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है। घातक कमांडोज में जो कमांडोज फिजिकली और मेंटली एक्सट्रीमली फिट होते हैं, उन्हें कमांडो स्कूल बलगाम से यहां फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ये ट्रेनिंग बेसिकली 4 हफ्ते की होती है। जरूरत पड़ने पर ट्रेनिंग के ड्यूरेशन बढ़ाया और घटाया जा सकता है। और ये ट्रेनिंग चलता है 15,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां टेम्परेचर -20 या फिर -30 डिग्री तक फॉल करता है। 15,000 फुट में कमांडोज को डायरेक्ट ट्रेनिंग देने से पहले 9,000 फुट में कमांडोज के शरीर को हाई ऑल्टीट्यूड के लिए रेडी किया जाता है। 9,000 फुट में कुछ ट्रेनिंग दिए जाते हैं, उसके बाद 15,000 फुट के ऊपर कमांडोज को ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग में कमांडोज को लाइन जंप, मंकी रोप, लेपर्ड कप, घातक क्रॉल और असॉल्ट ट्रेनिंग दी जाती है। अब बात करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की। देखिए इस स्कूल को बनाया गया था 1948 में और ये गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ इंडियन आर्मी के अलावा भी कई सारे फ्रेंडली कंट्री जैसे कि यूके, यूएस, जर्मनी के सोल्जर्स भी ट्रेनिंग लेते हैं। HAWS में दो तरह की ट्रेनिंग को कंडक्ट किया जाता है, एक है माउंटेन वॉरफेयर, दूसरा है विंटर वॉरफेयर। इंडियन आर्मी से जो भी पर्सनल सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड होने वाले हैं या फिर हिमालयन बॉर्डर्स में फ्रंट लाइन पर जाने वाले हैं, उसे हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में पहले ट्रेन किया जाता है। उसके बाद उतने हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज और बहुत ही ठंड वाले इलाके में उन्हें पोस्टिंग दिया जाता है। इसके अलावा भी इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस को भी यहाँ ट्रेन किया जाता है एडवांस लेवल की माउंटेन वॉरफेयर के लिए। देखिए इंडियन आर्मी के जो पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके कई सारे बटालियंस हैं। उनमें से कुछ ऐसे बटालियंस हैं जो माउंटेन वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर में हाईली ट्रेंड होते हैं। स्पेशली उन्हें इस हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में एडवांस माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दिया जाता है। हाई ऑल्टीट्यूड में पहुंचना एक चैलेंज है, हाई ऑल्टीट्यूड में सर्वाइव करना एक दूसरी चैलेंज है और हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई लड़ना एक तीसरी चैलेंज है। इन तीनों तरह के सिचुएशंस को ही कैसे हैंडल किया जाता है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग यहां दिया जाता है। अब दोनों ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जब एक ही चीज को सिखाया जाता है तो दो इंस्टीट्यूट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको बता दूं, देखिए घातक कमांडो से एक अलग चीज है और दूसरी तरफ जो भी इंडियन आर्मी के पर्सनल्स को हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर भेजा जाएगा, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे वो हिमालयन की फ्रंट लाइन में हो, उन सबके लिए जो ट्रेनिंग शेड्यूल डिजाइन किया जाता है उसकी ट्रेनिंग हाई ऑल्टीट्यूड में दिया जाता है। पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में दिया जाता है, वहीं पर घातक कमांडोज की ट्रेनिंग दूसरी तरफ दिया जाता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग का जो रिक्वायरमेंट है, उनकी ट्रेनिंग का जो पर्पस है वो अलग है। आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा पर्वत घातक स्कूल और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में क्या अंतर है और इन दोनों में से इंडियन आर्मी के कौन से सोल्जर्स को किस इंस्टीट्यूट में ट्रेन किया जाता है। अगर आपको क्लियरली ये चीज समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एन डिफेंस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलता है आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।